Good afternoon everyone, this is Neha from Max Classes. Students, in this video we will solve two important questions from the exercise 17B RS Agrawal chapter Surface Area and Volumes. You can find these questions on page number 786. Okay, our question number 31 is, in a village a well with 10 meter inside diameter is dug 40 meter deep. ओके देर इज अ वेल ओके एक कुआ है गांव में ओके किसी गांव में विलेज में एक कुआ है और जिसका डायमीटर कितना दिया 10 meter डायमीटर ऑफ दिस वेल इज 10 meter ओके इज डग 40 meter डीप 14 meter डीप क्या है कुआ खोदा गया है ओके Earth taken out of it is spread all around to a width of 5 meter to form an embankment. Embankment मतलब कुएं के आसपास जो दीवार होती है students उसे embankment बोलते हैं और earth taken out मतलब कि कुएं को खोदा तो उसमें से कुछ मिट्टी निकली होगी और उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं earth taken out. Okay, so earth taken out from the well is used to make the embankment. Okay, embankment मतलब कुएं के आसपास की दीवार बनाने के लिए हमने उसका यूज़ किया और कुएं की दीवार कितनी विथ की बनाई 5 meter विथ की हमने कुएं की दीवार बनाई है ओके सो स्टूडेंट दिस इज द विथ दिस इज द एम्बैंकमेंट ओके ये एक एम्बैंकमेंट है जो कि 5 meter विथ का बनाया गया है और किसकी हेल्प से बनाया गया है जो कि मिट्टी हमने कुएं को खोदने में हमें जो मिट्टी निकली थी हमने उसकी हेल्प से ये एम्बैंकमेंट बनाया दिस इज द एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट ऑफ विथ 5 meter ओके 5 meter विथ का हमने एम्बैंकमेंट बनाया है सो रेडियस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कुएं की जो रेडियस है ओके जो कुएं की रेडियस है रेडियस ऑफ द वेल इज 5 meter लेकिन रेडियस ऑफ वेल विथ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट के साथ में जो उसकी विथ रेडियस होगी कुएं की ओके जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाहर वाली रेडियस है वो कितनी हो जाएगी अंदर वाली रेडियस कितनी थी 5 meter दिस इज द 5 meter लेकिन 5 meter विथ की दीवार बनाई हुई है जो एम्बैंकमेंट है 5 meter विथ का है तो 5 meter दिस एंड 5 meter दिस तो टोटल जो बाहर का जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 meter हो जाएगा ओके जिसे मैं कैपिटल आर से शो कर रही हूँ सो आर रेडियस ऑफ वेल ओके रेडियस ऑफ वेल विथ एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट के साथ में रेडियस ऑफ वेल विथ एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा 10 meter हो जाएगा क्योंकि 5 meter इतना और 5 + 5 10 meters ओके नाउ स्टूडेंट्स फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट हमें हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट पता करना है ओवरऑल क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ये दिया गया है कि हमने 14 meter डीप का एक कुआ खोदा है उसके अंदर से जो मिट्टी निकली है उसका यूज़ हमने एम्बैंकमेंट बनाने के लिए किया है और एम्बैंकमेंट कितने विथ का बनाया है हमने 5 meter विथ का एम्बैंकमेंट बनाया है तो हमें इस एम्बैंकमेंट की क्या निकालना है हाइट निकालना है ओके सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेते हैं कि कुएं के अंदर से मिट्टी कितनी निकली ओके सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल टेकन आउट फ्रॉम द वेल ओके कुएं में से जितनी आपकी मिट्टी निकली है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल ओके वेल के अंदर जितनी मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द वेल के बराबर होगा जितना वेल का वॉल्यूम होगा उतनी उसमें से हमने मिट्टी निकाली होगी ओके तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना है स्टूडेंट्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड स्मॉल एच वन ओके सपोज एच वन इज 14 meter क्योंकि 14 meter का हमने कुआ खोदा था और आर आपका क्या है 5 meter क्योंकि आपका कुआ आपने 5 meter विथ का खोदा था ठीक है सो पाई आर स्क्वायर एच वन सो 22/7 आर स्क्वायर 5 × 5 ओके एंड एच इज 14 7 × 14 ओके देन 5 × 5 = 25 25 × 5 = 50 ओके सो 22 × 50 यू विल गेट 1100 m³ ओके दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल ओके नाउ स्टूडेंट्स जब हमने इतना मिट्टी निकाला था हमने उसका मिट्टी का हमने यूज़ क्या किया हमने उसका यूज़ किया एम्बैंकमेंट बनाने के लिए सो हमें वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट भी बताना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है सो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू वॉट ओके देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मतलब क्या कि एम्बैंकमेंट आपका किस शेप का आ गया तो सिलेंड्रिकल शेल है ओके सिलेंड्रिकल शेल मतलब कि बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से यदि हम अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दें
तो हमें बाहर जो दीवार दीवार बची है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मीन्स एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल दैट मीन्स बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, पाए. एंड बाहर वाले के रेडियस हमने क्या बोली है, आर बोली है, कैपिटल आर. ओके, सो पाए आर स्क्वायर, और इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट हमने क्या बोली, एच. ओके, एच इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. ओके, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस, ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल निकाला, देखिए हमने बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख दिया, माइनस में करेंगे हम पाए अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाए आर स्क्वायर एंड एच, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस कितना हमने स्मॉल आर बोला था, स्मॉल आर दैट मीन्स 5 मीटर. ओके, सो पाए इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दैम एंड पाए एच इज कॉमन, अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, सो पाए एच आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना था स्टूडेंट्स, 110 का स्क्वायर दैट मीन्स 100 एंड स्मॉल आर 25. ओके, सो 75 पाए एच मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमने जो एम्बैंकमेंट बनाया है वो किसकी हेल्प से बनाया है, एम्बैंकमेंट तो हमने जो मिट्टी निकली थी वेल में से उसकी हेल्प से बनाया, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, क्योंकि जितनी मिट्टी निकली थी उसी की हेल्प से हमने एम्बैंकमेंट बना दिया था, दैट मीन्स ये दोनों वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आपके इक्वल होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स वी विल गेट हेयर 75 पाई एच इज इक्वल टू वॉट 1100. ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने इक्वेट करवा दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 1100. ओके, सो 75 पाई एच दैट मीन्स एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1100 अपॉन में 75 और पाई. ओके, सो 1100 इज सेम हेयर 75 एंड 20 पाई को रख दिया हमने 22/7, 11 2 22 एंड 11 1 11. ओके, देन हम इसे कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 1 5 15. ओके, 5 2 10, 2 1 2 ये 10, 5 2 10 एंड 5 3 15, 7 2 14, 14/3 मीटर इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स द आंसर गिवन इन द बुक इज रॉन्ग. ओके, सो यू मस्ट हैव करेक्शन इन इट. ओके, आई हैव इवन चेक्ड इट ऑन द इंटरनेट, मैंने इंटरनेट से भी इस क्वेश्चन को चेक कर लिया है. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 14/3 मीटर्स होना चाहिए. सो आप इसका बुक में करेक्शन कर लें. ओके, सो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कम्स आउट टू बी 14/3 मीटर्स. सो आर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर. नाउ मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन नंबर 35. ओके, आर क्वेश्चन नंबर 35 इज दिस, इन अ हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक. एक हॉस्पिटल है स्टूडेंट्स जिसमें एक यूज्ड वाटर है. ओके, जो यूज किया हुआ वाटर है उसका हम वो क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप के जो कंटेनर है उसको, टैंक है उसके अंदर उसको क्या कर रहे हैं, ये फिल कर दे रहे हैं. ओके, टैंक ऑफ डायमीटर 2 मीटर, डायमीटर ऑफ दिस टैंक इज 2 मीटर. ओके, डायमीटर ऑफ दिस टैंक इज 2 मीटर, सो रेडियस विल बी 1 मीटर. ओके, एंड हाइट 5 मीटर, हाइट उसकी कितनी है स्टूडेंट्स, 5 मीटर है टैंक की. आफ्टर रिसाइकलिंग, अब ये तो यूज्ड वाटर था दैट मीन्स कि रिसाइकलिंग करना पड़ेगी, तो आफ्टर रिसाइकलिंग करने के बाद में दिस वाटर इज यूज टू इरीगेट अ पार्क. ओके, सपोज दिस इज द पार्क, इरीगेट अ पार्क मतलब पार्क में पानी का यूज कर रहे हैं उसका सिंचाई करने के लिए. पार्क ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर, लेंथ इज 25 मीटर एंड विथ इज 20 मीटर. इफ द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली देन वॉट विल बी द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर यूज फॉर इरीगेशन. स्टूडेंट्स स्टैंडिंग वाटर, ये वर्ड आपने, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें भी यूज़ किया था, स्टैंडिंग वाटर फॉर इरीगेशन, मतलब कि हम पार्क में इरीगेशन कर रहे हैं, मतलब हम पार्क में पानी डाल रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं, तो जब हम पानी डाल रहे हैं तो पार्क में क्या होगा, कुछ लेवल तक पानी भर जाएगा. ओके, कुछ लेवल तक पानी जब भर जाएगा तो कितने लेवल तक पानी आपका भर जाएगा जब हम यहाँ से पानी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पार्क का डायमेंशन तो इतना ही है, 25 मीटर लेंथ है और 20 मीटर विथ है. जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी कुछ लेवल तक फिल हो जाएगा, सपोज पानी आपका इतने लेवल तक फिल हो गया. ओके, सो पार्क किस टाइप का हो गया, क्यूबॉइडल शेप का हो गया, क्योंकि लेंथ तो इतनी हो गई, विथ आपके 20 मीटर हो गई, लेकिन एच मीटर हाइट तक क्या हो गया, पानी क्या हो गया आपका, फिल हो गया. तो लेट एच मीटर बी द स्टैंडिंग वाटर हाइट ऑफ
स्टैंडिंग वाटर, ओके स्टैंडिंग वाटर का हाइट है मतलब कि इतना पानी आपका पार्क के अंदर फिल हो जाएगा, इतने लेवल तक पानी आपका पार्क के अंदर भर जाएगा जब आप उसमें इरीगेशन करेंगे, ओके सो आपको यही एच का वैल्यू निकालना है कि कितना अब कितने लेवल तक आपका पानी पार्क में भर जाएगा, ओके सो स्टूडेंट्स व्हाट विल वी डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक, ओके सो दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, ओके सिलेंड्रिकल टैंक में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा, ओके पाई इज 22/7 एंड स्मॉल आर इज 1 into 1 और हाइट कितना दिया है 5 meter दिया हुआ है, एच वन बोल लो उसको, ठीक है एच वन इज द हाइट ऑफ द टैंक विच इज 5 meter. नाउ स्टूडेंट्स ये तो कुछ कट नहीं होना है, सो 22/7 into 5 meter, ओके मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ओके नाउ स्टूडेंट्स हम अब हम इस पानी को पार्क में ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्क में हम सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, सो हमें वॉल्यूम, तो हमने क्या मान लिया पहले कि एच मीटर बी द हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, दैट मीन्स ये आपका पार्क में पानी एच मीटर हाइट तक भर गया है, दैट मीन्स पार्क क्या हो गया, लेंथ भी हो गया, विथ भी हो गया और एच मीटर हाइट तक पार्क में पानी भी फिल हो गया, दैट मीन्स पार्क का शेप आपका किस टाइप का हो गया, पानी के कारण क्यूबॉइडल शेप का हो गया, ओके सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क, पार्क में कितना पानी आपका भरा है, ओके वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क विच इज यूज फॉर इरीगेशन, कितना यूज पानी भरा हुआ है पार्क में जिसका हम यूज कर रहे हैं इरीगेशन के लिए, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट करके से निकालेंगे, ओके लेंथ तो पार्क की दी हुई है 25 meter, हाइट आपको दिया है 20 meter और एच हमने एच बोल रखा है, ओके तो 25 500 एच मीटर क्यूब, ओके मीटर मीटर यहाँ से हटा देती हूँ मैं, ओके सो दिस इज द 500 एच मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज यूज इन द पार्क फॉर द इरीगेशन, ओके सो दिस इज द पोस्ट ऑफ सेकेंड इक्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं, हम इस टैंक का ही पानी इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पार्क के बराबर होगा, क्योंकि पानी तो अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है, इसी टैंक से आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा. सो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर वन, सपोज इस इक्वेशन नंबर वन और वन और टू को इक्वेट करवा दे रहे हैं, सो इक्वेशन नंबर वन इज 22/7 into 5 और इक्वेशन नंबर टू के था आपका 500 H, ओके तो 500 H इज इक्वल्स टू 22/7 into 5, 5 से कट किया ये 100 हो जाएगा, सो H विल बी 22/7 into 100, ओके सो स्टूडेंट्स H 22/7 को आप क्या बोल देते हैं, 3.14 बोल देते हैं, तो 3.14 अपॉन में 100, सो H का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.0314 meter, ओके सो स्टूडेंट्स पार्क में जो पानी होगा इतने मीटर हाइट तक फिल हो जाएगा, ओके द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द RS अग्रवाल बुक, ओके बट मैंने इसे इंटरनेट से चेक कर लिया है, सो दिस इज द राइट आंसर. सो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 35 गेट कंप्लीटेड, दिस क्वेश्चन केम इन CBSE 2017, ओके सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.